दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बिहार में बनेगी माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा, अशोक वाटिका से लाई जाएगी जल मिट्टी, शक्तिपीठ बनाने की भी योजना। रामायण रिसर्च काउंसिल माता सीता की जन्मस्थली बिहार की पौराणिक तीर्थ सीतामढ़ी में सीता माता की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित करने जा रही है। 12 एकड़ भूमि पर स्थापित की जाने वाली अष्टधातु की माता सीता की इस प्रतिमा के साथ ही पूरे क्षेत्र को शक्ति पीठ के रूप में विकसित करने की योजना है। प्रतिमा के चारों ओर वृत्ताकार रूप में श्री भगवती सीता माता के जीवन दर्शन को दर्शाते हुए 108 प्रतिमाएं भी स्थापित की जाएगी। अलखोर, बिहार में ट्विटर, व्हाट्सएप या फेसबुक के जरिए भी बिहार पुलिस से कर पाएंगे शिकायत, योजना पर चल रहा काम। नए साल से आम लोग बिहार पुलिस मुख्यालय के सोशल मीडिया हैंडल यानी ट्विटर, फेसबुक या व्हाट्सएप से जुड़कर अपनी शिकायत कर पाएंगे। इनके माध्यम से महत्वपूर्ण सूचनाओं का आदान प्रदान भी होगा। इन सोशल मीडिया हैंडल को यूजर फ्रेंडली बनाने और इनके माध्यम से मिलने वाली शिकायतों के तत्काल निपटारे को लेकर पुलिस मुख्यालय मैकेनिज्म डेवलप करने में जुटी है। एडीजी JS गंगवार ने बताया कि पुलिस मुख्यालय ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी है। अलकर, गया में कोरोना के 7 और मामले मिलने से हड़कंप सभी विदेशी पर्यटक हैं। कुल 11 लोग हैं संक्रमित। बिहार के बोधगया में और भी 7 लोगों में कोरोना की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। सभी संक्रमित विदेशी पर्यटक हैं। इसी के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 11 हो चुकी है। इसमें 4 लोग जांच के दौरान पॉजिटिव मिले हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना की नियमित जांच की जा रही है और इसमें विदेशी लोग भी शामिल हैं। गया में कोरोना पॉजिटिव पाए गए विदेशी पर्यटकों को आइसोलेशन में रखा गया है। सुशील मोदी ने कहा कि मैं तो चाहता हूं कि जल्द से जल्द तेजस्वी यादव बने बिहार के मुख्यमंत्री। CBI फिर से लालू यादव से जुड़े IRCTC घोटाले की जांच करेगी। इसको लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने लालू यादव पर जमकर निशाना साधा। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि हमें जिस तरह से पता है उसके मुताबिक लालू यादव ने दिल्ली में एक बेशकीमती मकान खरीदा। उसके बाद जो जांच में सामने आया उसे स्पष्ट हुआ कि IRCTC में घोटाला हुआ है और यही कारण है कि फिर से CBI ने इसकी जांच शुरू कर दी है। अगली खबर, एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस होगा गया जंक्शन। 300 करोड़ रुपए से पुनर्विकास हुआ शुरू। धार्मिक एवं पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बिहार के गया जंक्शन को विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए से पुनर्विकास कार्य शुरू हो गया है और इसके लिए रेलवे स्टेशन के माल गोदाम एरिया में पुनर्विकास किया जाएगा। इसके साथ ही डेल्हास साइड में आरक्षण काउंटर बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। नए वर्ष में अब डेल्हास साइड में भी रेल यात्रियों को टिकट घर के साथ आरक्षण काउंटर की सुविधा मिलेगी। अलखर, लालू पर मंडराया एक और बड़ा खतरा। भ्रष्टाचार के मामले में CBI ने फिर से खोल दिए फाइल। बिहार में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सरकार की उलटफेर के कुछ माह पश्चात पूर्व CM एवं राजद के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के विरुद्ध एक और भ्रष्टाचार का केस फिर से खोल दिया। कहा जा रहा है कि इस केस के पश्चात लालू यादव और उनके बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की परेशानी बढ़ सकती है। वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन में सम्मिलित जदयू एवं राजद ने नाराजगी जताई। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में अगस्त महीने में बड़ा उलटफेर हुआ था एवं नीतीश कुमार ने NDA का साथ छोड़कर गठबंधन को ज्वाइन कर लिया था और इसके 6 महीने के बाद लालू यादव पर फिर से CBI जांच खोल दी गई है। अलखर, साल की आखिरी कैबिनेट बैठक शुरू। आपको बता दें कि कई एजेंडों पर लग सकती है मुहर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक में कई एजेंडों पर मुहर लगा सकते हैं। नीतीश कैबिनेट की बैठक को लेकर सभी संबंधित विभागों को तैयारियों की पहले ही निर्देश दिए गए थे। गठबंधन की सरकार ने 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का वादा किया है, लेकिन अभी तक 1 लाख भी यह संख्या नहीं पहुंची है। ऐसे में सरकार युवाओं को तोहफा दे सकती है। अलखर, शराब कांड पर सुशील मोदी का बड़ा आरोप। कहा कि गिरफ्तारी और सजा के सरकारी आंकड़े हैं फर्जी। बिहार में जहरीली शराब पीकर हुई लोगों की मौत को लेकर एक बार फिर से BJP से राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने सूबे की नीतीश सरकार पर हमला बोला। सुशील मोदी ने कहा कि जहरीली शराब कांड में मौत, गिरफ्तारी, सजा के जो आंकड़े सरकार के द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं वो फर्जी हैं। ये भी कहा कि गोपालगंज कांड में दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ ठोस सबूत सरकार कोर्ट में नहीं पेश कर पाई है। नतीजा, सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। इस सवाल लेजे में पूछा कि जहरीली शराब बेचने वालों से वसूली पर रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती क्यों नहीं दी गई। अलखर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा से कोई फायदा नहीं, सब बेकार साबित हुआ। जगदानंद सिंह का तंज। आपको बता दें कि पिछले साल 22 दिसंबर को यात्रा पर नीतीश कुमार निकले थे। अभी CM नीतीश कुमार के समाज सुधार अभियान यात्रा का औपचारिक ऐलान भी नहीं हुआ है। इसी बीच वह विरोधियों के निशाने पर आ गए। RJD के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार की यात्राओं का बिहार को कोई फायदा नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार ने अब तक जितनी भी यात्राएं की है उसका कोई फायदा बिहार को नहीं हुआ, यह सब बेकार साबित हुआ है। अगर BSSC ने रद्द की पहली पाली की परीक्षा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रथम पाली की परीक्षा रद्द कर दी है। आयोग ने कहा कि 45 दिनों के अंदर फिर से एग्जाम होगा। आपको बता दें कि सबसे पहले इस परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने की खबर सामने आई थी और सभी शिक्षकों की यही मांग थी कि यह परीक्षा रद्द की जाए। माले के राज्य सचिव कुणाल के साथ ही कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आशीष तिवारी ने भी परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी।
हल्कुर बिहार में कोरोना की सेकेंड वेव जैसी तैयारी, हर घर सर्वे में ट्रेस किया जाएगा वायरस, बोधगया में अब तक 11 विदेशी मिले पॉजिटिव। बोधगया में 11 विदेशी नागरिकों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद बिहार सरकार की नींद उड़ा दी है। चीन सहित कई देशों में मौत का तांडव करने वाले कोरोना के BF7 वेरिएंट को लेकर बिहार में दहशत है। सरकार राज्य में कोरोना की दूसरी लहर की तरह तैयारी कर रही है। राज्य में रैपिड रिस्पांस टीम को एक्टिव करने के साथ ही घर घर सर्वे में कोरोना संक्रमितों की तलाश के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य स्वास्थ्य समिति ने कोरोना को लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी। हल्कुर बिहार के गया नगर निगम के चुनाव के मेयर पद के लिए पूर्व मुख्यमंत्री एवं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी के संरक्षक जीतनराम मांझी की बड़ी पुत्री सुनैना देवी मैदान में है। हम पार्टी ने बीते दिन सुनैना देवी को समर्थन देने की घोषणा की थी, तभी जीतनराम मांझी ने ट्विटर पर लिखा है कि यदि उनकी बेटी सुनैना देवी जीती तो उन तमाम गरीबों की मदद करेगी जो शराबबंदी कानून के तहत मुकदमे में फंसे हैं या फिर जेल में बंद है। गौरतलब है कि गया में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव दलगत हो गया है और हम पार्टी जो है खुले तौर पर जीतनराम मांझी की पुत्री सुनैना देवी के समर्थन का ऐलान कर चुकी है। हल्कुर पटना नगर निगम का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। इस चुनाव में मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर सत्तारूढ़ दल और विपक्ष में मुकाबला होना है। हालांकि यह दलगत चुनाव नहीं है, ऐसे में दलों का समर्थन प्रत्याशियों को प्राप्त है। भाजपा ने अपनी तरफ से मेयर और डिप्टी मेयर के लिए प्रत्याशियों को समर्थन दे दिया है, लेकिन गठबंधन ने किस प्रत्याशी को समर्थन दिया यह तय नहीं हो पाया है। वजह है कि आधा दर्जन से ज्यादा प्रत्याशी ऐसे हैं जो जदयू और राजद से ताल्लुक रखने वाले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि गठबंधन के वोटों का बिखराव निश्चित तौर पर हो जाएगा। वहीं भाजपा का पूरा फोकस एक मेयर और एक डिप्टी मेयर प्रत्याशी पर है। हल्कुर सारण शराब कांड में गिरफ्तार बदमाश कोर्ट परिसर से फरार हो गया। बदमाश के भागने की घटना पास में स्थित दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई और कैदी को शराब कांड में कोर्ट में PSC के लिए लाया गया था। इसी दौरान चौकीदार से हथकड़ी छुड़ाकर कैदी भाग गया। इसके पीछे पीछे चौकीदार दौड़ता रहा। चौकीदार की कंप्लेन पर फरार कैदी के विरुद्ध FIR दर्ज की गई है। फरार कैदी की पहचान मसरक थाना क्षेत्र के कर्ण कुदारिया निवासी देव कुमार महतो के रूप में की गई और वह शराब मामले में पुलिस की गिरफ्त में आया था। हल्कुर बिहार में मौसम का मिजाज बदला बदला सा नजर आएगा। मौसम विभाग की माने तो आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, विजिबिलिटी कम होगी। बिहार के सभी हिस्से में 17 से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक पछुआ हवा का प्रभाव बना हुआ है। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी से नमी बिहार आ रही है, इसे बिहार के कई हिस्से में हल्की बारिश हो सकती है। इसके असर 2 दिन तक देखने को मिल सकते हैं। 28 दिसंबर के बाद दिन और रात के तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की गिरावट होगी। हल्कुर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर एक बार फिर से बिहार में फैन कैंपेन की तैयारी कर रहे। फैन सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह की ट्वीट के बाद अब CBI जांच की मांग को लेकर एकजुट हो रहे। बिहार के युवा एक्टर की मौत से मायूस फैन एक बार फिर से अभिनेता की मौत की सच जानने के लिए बड़े अभियान की तैयारी कर रहे। बहन श्वेता सिंह ने ट्वीट कर मोदी से जांच कराने की मांग की। फैंस भी अब इस लड़ाई में आगे आ रहे। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत का ट्रेन चलाने वाले पटना के सनी सिंह का कहना है कि वह पूरे बिहार में उच्च स्तरीय जांच के लिए बड़ा अभियान चलाएंगे। हल्कुर मधुबनी में रसोईया संघ का धरना जारी। प्रखंड मुख्यालय उमगांव स्थित BRC कार्यालय पर बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ का 5 मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना जारी है। वहीं उनकी मांगों में सम्मानजनक वेतन, स्कूल में रसोईया के लिए ड्रेस, रसोइयों को उम्र पूरा होने पर उनके परिजनों को उनका काम देना, स्कूल में प्रधानाचार्य के द्वारा रसोईया का शोषण बंद करना आदि शामिल है। मांगों को लेकर मधुबनी के प्रखंड अध्यक्ष इंद्र कुमार मंडल की अध्यक्षता में अनिश्चितकालीन धरना का आयोजन किया गया। इस दौरान आंदोलन को समर्थन देते हुए ऑल इंडिया स्कीम वर्कर फाउंडेशन के जिला सचिव नरेश कुमार पासवान ने कहा कि जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ये भी कहा कि रसोईया विद्यालय में जान जोखिम में डालकर काम कर रही है, लेकिन मेहनत के मुताबिक इन्हें मजदूरी नहीं दी जाती है। वेतन मिलता है वो न्यूनतम मजदूरी से भी बहुत कम है और इनकी सभी मांगे जायज है।